द मास इज डिस्ट्रीब्यूट अकॉर्डिंग टू एरिया, तो मास पर यूनिट एरिया रिमेन्स कॉन्स्टेंट। इस टाइप से मैं डिस्क लिया हूँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको मैं लैम्डा से डिनोट कर देता हूँ, तो मास पर यूनिट एरिया ये हमेशा कांस्टेंट रहे। मास पर यूनिट एरिया, इसकी एरिया कितनी हो जाएगी बोलो, पाई आर स्क्वायर का आर, ठीक है, 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि पूरा होता तो इसका पाई आर स्क्वायर होता, तो अब ये 2m ये मास पर यूनिट एरिया इतनी आ जाएगी। चलो अब इसका हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो इसका हम लोग कैलकुलेट करेंगे डिफरेंशियल एलिमेंट। अभी तक जो लेते थे वो डीएम आता था यार, पॉइंट मास आता था, अब डिफरेंशियल एलिमेंट पॉइंट मास नहीं आएगा, अब जो डिफरेंशियल एलिमेंट आएगा दैट इज रिंग आएगा। तो यहां पर अगर मैं एज्यूम कर लूं, यहां पर अगर देखो मैं यहां पे एज्यूम कर लेता हूं कि यहां पे ठीक है कौन सा मैं कलर यूज करूं, तो यहां से अगर मैं एज्यूम कर लूं कि यहां पे जो डिफरेंशियल एलिमेंट है दैट डिफरेंशियल एलिमेंट एक रिंग ले लेता हूं, ये एक रिंग है, दिस इज द डिफरेंशियल एलिमेंट। तो ये जो डिस्क है वो रिंग ऐसे ऐसे रिंग से मिल के बना होगा यार, येलो कलर का मैं रिंग ले लिया हूँ ठीक है, और इसको मैं थोड़ा सा ब्लैक कर दूँ तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से दिखाई देगा, ठीक है, दिस इज द डिफरेंशियल रिंग, ठीक है, तो ये डिफरेंशियल एलिमेंट रिंग है जो मैं ले लिया हूँ यहाँ से कुछ, दिस इज द डिफरेंशियल रिंग, ये मैं एक रिंग कंसीडर कर लिया हूँ यहाँ से कुछ वाई डिस्टेंस पे जाके, क्लियर है, और इस रिंग की जो थिकनेस है, इस रिंग ये जो रिंग है ठीक है हाफ रिंग है, इसकी जो थिकनेस है वो मैं डी वाई ले लेता हूँ, इसका मतलब ये हुआ, और इस रिंग की जो रेडियस है वो आर है ठीक है, इस रिंग की रेडियस वाई है, तो इस रिंग की जो लेंथ आ जाएगी उसको मैं थोड़ा, अगर मैं इस रिंग को मैं इधर बनाऊं ये रिंग, तो ये रिंग मुझे कुछ ऐसे सीधा दिखेगा, और ये जो लेंथ है दैट इज पाई वाई, ठीक है, आधी रिंग है, पूरी लेंथ पूरी रहती तो क्या होता, 2 पाई आर होता है सरकमफेरेंस, 2 पाई आर होता है, तो इसकी जो रेडियस है वाई है, तो ये 2 पाई आर, और ये इसकी थिकनेस है डी वाई, तो इस छोटे से रिंग का इसका छोटा एरिया बनेगा, कितना बनेगा, रेक्टेंगल की तरह बिहेव करेगा, तो वाई डी वाई दिस इज द एरिया ऑफ द दिस डिफरेंशियल रिंग, क्योंकि इस एरिया की मुझे फ्यूचर में जरूरत पड़ेगी, क्लियर है। अब ये जो एलिमेंट है अगर तुम ध्यान से अच्छे से देखो तो ये रिंग ओवर रिंग अगर बना हुआ है तो सेंटर ऑफ मास एक्स एक्सिस में कभी नहीं आएगा, देर इज सेंटर ऑफ मास जो आएगा वो वाई एक्सिस में आएगा। इस डिस्क की सर्कुलर प्लेट की थीन सर्कुलर प्लेट है तो उसकी जो जो सेंटर ऑफ मास है वाई एक्सिस में आता है, क्योंकि रिंग का वाई एक्सिस में ही आता है, ठीक है। अभी हम लोग रिंग का कैलकुलेट करके आए थे 2r/π, ठीक है, 2r/π पे आता है, तो अगर 2r/π पे आता है तो इसका भी जो सेंटर ऑफ मास है, इस ये जो आधा रिंग में लिया हूँ, ये जो डिफरेंशियल रिंग लिया हूँ, इस डिफरेंशियल रिंग का जो सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ पे 2y/π पे आएगा, y कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास, y कोऑर्डिनेट 2y/π पे आएगा, वाई सी एम, ठीक है, इस रिंग का। अब चलो अगर मैं फार्मूला लगाता हूँ और लिमिट लगा के मैं इंटीग्रेट करूंगा कहाँ से कहाँ तक लिमिट जाएगा, यहाँ y इज इक्वल टू 0 टू y इज इक्वल टू कैपिटल R, इसकी रेडियस ले लेता हूँ, इक्वल टू 0 टू y इज इक्वल टू कैपिटल R इंटीग्रेट करूंगा, तो ये पूरी मुझे रिंग डिस्क मिल जाएगी, रिंग ओवर रिंग डिस्क, ठीक है। तो चलो अब डायरेक्ट फार्मूला लगाते हैं y c, बहुत सारा डिस्कशन हो गया तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा, तो हम लोग डायरेक्ट फार्मूला लगाते हैं कितना, तो जो वाई सी एम है पूरा वो 1/मास ऑफ डिस्क डिस्क और वाई और डीएम, तो डीएम मुझे निकालना पड़ेगा, तो डीएम क्या होगा, मास पर यूनिट एरिया और मल्टीप्लाइड बाई छोटा एरिया डीएम, इसमें कितना मास आया वो मैं निकालूंगा, मास पर यूनिट एरिया, इसकी एरिया कितनी आ जाएगी यार, पाई आर स्क्वायर बाई 2, और मल्टीप्लाइड बाई दिस डिफरेंशियल पाई वाई डी वाई, दिस इज द स्मॉल डी ए, ये स्मॉल एलिमेंट डी ए है, ये
तो इस पाई ने पाई को खत्म कर दिया, पाई ने पाई को खत्म कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि 2my r स्क्वायर dy दैट इज द dm, ये dm आया। ठीक है, अब इस dm को उठा के वहां रख दूंगा, मैं इस dm को उठा के वहां रख दूं तो यह जाएगा 2 कैपिटल m y एंड डिवाइडेड बाई कैपिटल r स्क्वायर एंड dy। ठीक है, ये आ गया dy। अब जो y है वो क्या है समझना, ये तो dm रहा भाई, ये तो dm रहा। y क्या है, y जो है इस dm का समझना, y जो है इस जो डिफरेंशियल एलिमेंट dm का सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट है। तो सेंटर, ये सेंटर ऑफ मास रहा और सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट 2y अपन पाई हो, मतलब ये हुआ कि 2y अपन दिस इज द y, y इज द y कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ dm एलिमेंट, और डीएम एलिमेंट यहाँ पे रिंग है। अब पूरी कहानी हो गई और ये इंटीग्रेशन वाई में हो रहा है, तो वाई इज इक्वल टू जीरो टू कैपिटल आर इंटीग्रेट कर लिया जाए। चलो तो जीरो टू कैपिटल आर इंटीग्रेट कर लो और यही फाइनल सोल्यूशन है। तो वाई इज इक्वल टू जीरो टू वाई इज इक्वल टू कैपिटल आर इंटीग्रेट कर लो। इसका मतलब ये हुआ कि वन अपान कैपिटल मास और ये सारा कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, टू कैपिटल एम कैपिटल आर स्क्वायर और पाई भी बाहर आ गया और एक टू और बाहर आ गया, और इंटीग्रेशन के जो अंदर बचा, ठीक है, वो बचा वाई स्क्वायर डी वाई और जीरो टू कैपिटल आर, वाई स्क्वायर डी और जीरो टू कैपिटल आर। तो एम ने एम को ख़त्म कर दिया, ये आ जाएगा फोर 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 पाई आर का स्क्वायर, और इधर इंटीग्रेट करके बनेगा आर की पावर क्यू और डिवाइडेड बाई थ्री। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि 4r अपान 3 पाई दैट इज द y कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास दिस डिस्क।